आज की खबरें इस प्रकार हैं। हजारीबाग जिले के नगर भवन सभागार में सातवीं आर्थिक जनगणना 2019 का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च अधिकारियों को बुके देकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। विशेषकर यह प्रशिक्षण प्रज्ञा केंद्र संचालकों को दिया गया, जिसमें इस जनगणना से सभी संबंधित तरह के प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दरमियान सीनियर स्टैटिक अधिकारी सूरज कुमार ने सातवीं आर्थिक जनगणना के बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी एवं लाभों के बीच चर्चा किया एवं बेरोजगारों को रोजगार के अवसर की भी बात की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से नेमी चंद कुमार, रमेश कुमार स्टेट एंकर, शंभु कुमार, इंद्रजीत डायरेक्टर, CSC मैनेजर निजामुद्दीन एवं रोशन कुमार, मुकेश झा समेत कई ई ब्लॉक मैनेजर जिले के सभी प्रज्ञा केंद्र साथ ही जनगणना संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। भारत सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सातवीं आर्थिक जनगणना करने का निश्चय किया है। इसके तहत मौसपी, CSC और DS के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और जितने भी भारतवर्ष में प्रज्ञा केंद्र संचालक है या CSC संचालक है उनका ट्रेनिंग चल रहा है। झारखंड में आज हजारीबाग में हम लोग ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। एक दिवसीय कार्यशाला है जिसमें लगभग 400 के आसपास सभी प्रज्ञा केंद्र संचालक आए हैं। क्या बेरोजगारों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था है क्या? क्योंकि प्रज्ञा केंद्र संचालक तो लगभग 10 साल से कार्यरत हैं और वो विभिन्न सेवाएं जैसे G2C, B2C, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग सब दे रहे हैं। ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत हर प्रज्ञा केंद्र संचालक के अंदर वो अपने अंडर 4 से 5 युवाओं को रोजगार देंगे। वो उन युवाओं का क्वालिफिकेशन होगा कम से कम 10वीं पास और उनके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें वो ऐप एक इंस्टॉल करेंगे और घर घर घूम करके जो भी आर्थिक संरचना है, आर्थिक गतिविधि है, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और ये भारत सरकार के द्वारा जो सर्वर बनाया गया है वहाँ पे ये सेव होगा और भारत सरकार तक पहुँचेगा। ताज़ा और अपडेट न्यूज़ के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज़ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।